हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 26 के बारे में। और पार्ट नंबर 26 के अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कस्टमाइज पीसी इंटरफेस। हमारे कंप्यूटर का जो इंटरफेस होता है, हम उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कैसे आप अपने पीसी इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो वॉलपेपर होता है, जिसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये करना बताता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने माउस को कैसे चेंज कर सकते हो। आपका ये जो माउस है, एक नॉर्मल सा माउस है, कर्सर है, आप इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी विंडो का ये जो लोगो है, आप इसको कहीं और पे एडजस्ट कैसे कर सकते हो, यानी कि आपका जो लोगो है आप इसको सेंटर में कैसे ला सकते हो। आपके यहाँ पे जो आइकन्स होते हैं, आप इसको गायब कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे नए आइकन्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी फोल्डर को आप हाइड कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करना मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होता है, उसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने वॉलपेपर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं वॉलपेपर को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है वॉलपेपर, तो मैं वॉलपेपर टाइप कर देता हूँ और इसके बाद में मैं सर्च कर देता हूँ। तो जैसे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, चूज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और दूसरा बैकग्राउंड इमेज सेटिंग्स का। तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में मैं कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे, आप जिसको चाहें उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे पास ये वॉलपेपर लगा हुआ है। अभी मैं इसको आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस वाले को चूज कर लेता हूँ या मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा चूज कर लीजिए। अगर आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो आपका बैकग्राउंड भी सेट हो जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इस वाले को रखता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसी को पड़ा रहने देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि आप किस तरीके से आपका जो माउस होता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो माउस को कस्टमाइज करने के लिए सिंपल सा आप क्या कीजिए, आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे सर्च इंजन के अंदर और यहाँ पर आपको टाइप करना है कर्सर, या आप माउस भी टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर माउस सेटिंग टाइप कर देता हूँ। तो जैसे आप माउस टाइप करोगे, माउस सेटिंग आपको मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप माउस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको माउस से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है माउस पॉइंटर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के माउस को चेंज कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने माउस को कलर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपका जो एरो है उसका कलर चेंज हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने एरो के कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से दूसरा कलर ले सकते हो। आप कलर पर क्लिक करोगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इस तरीके से आप जो भी कलर पर क्लिक करोगे, आपका जो कर्सर है उसी कलर में चेंज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शंस दिए आते हैं माउस से रिलेटेड, तो अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे इस कोर्स के अंदर, कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर जो पार्ट नंबर 8 है ना इस कोर्स का, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें करना बताया है कि किस तरीके से आप अपने माउस को कस्टमाइज कर सकते हो। कंप्यूटर मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वाला पार्ट नंबर 8, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने माउस पॉइंटर को कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आप वॉलपेपर से रिलेटेड या थीम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप इस वाले वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, पार्ट 1 वाले को। इसके अंदर मैंने आपको वॉलपेपर से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स बताई हैं, तो आप उसको देख करके भी सीख सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने माउस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आप किस तरीके से आपके जो विंडो मेन्यू है ना, आप इसको सेंटर में ला सकते हो।
तो इसको लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सेटिंग्स पर आ जाना है, और सेटिंग्स पर आने के बाद बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे बैक आ जाना है, बिल्कुल शुरू में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टास्क बार टाइप करना है सर्च इंजन के अंदर। तो यहाँ पर मैं टास्क बार टाइप करता हूँ, टास्क बार टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। तो गाइस ऐसे आप यहाँ पर टास्क बार टाइप करके सर्च करोगे ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कंट्रोल अलाइनमेंट ऑफ टास्क बार, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है टास्क बार बिहेवियर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है टास्क बार अलाइनमेंट का, तो यहाँ पर लेफ्ट सेट है। अब लेफ्ट सेट है यानी कि हमारा जो टास्क बार अलाइनमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड में। अब अगर आप यहाँ पर नहीं रखना चाहते हो, आप सेंटर में रखना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंटर पर क्लिक करोगे, आप देखोगे ये आपकी जो आइकन है वो यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए कितना कूल लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे ये ना कॉर्नर में ही अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको कॉर्नर ही कर देता हूँ। आप चाहें तो आप इसको सेंटर में डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको लेफ्ट साइड में भेज देता हूँ, मुझे वहीं पर अच्छे लगते हैं, सेंटर पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने टास्क बार की जो आइकन्स हैं आप इसको लेफ्ट में या सेंटर में सेट कर सकते हो। अब गाइस आपने अक्सर देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट मेन्यू के पास में यहाँ पर एक सर्च इंजन बना होता है, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में बंद कर रखा है। तो वो कैसे बंद करते हैं, वो यहाँ से हम बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सर्च का, तो यहाँ से आप इसको हाइड कर रखा हूँ मैंने। अगर आप इसको हाइड नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सर्च बॉक्स ला सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैंने सर्च बॉक्स पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखोगे सर्च बॉक्स आ चुका है। अगर आप इसको चाहते हो तो आप इसको बढ़ा रहने दो, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इसको हटा भी सकते हो, चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। मैंने हाइड करके रखा है तभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो आपके कंप्यूटर में यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डेट आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर आप जो डेट और टाइम देख रहे हो ना, ये बहुत नॉर्मल सा है, मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे नीचे आना है थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है शो सेकंड्स इन सिस्टम ट्रे क्लॉक, यानी कि आपकी जो क्लॉक है सिस्टम ट्रे के अंदर, तो इसमें अगर आप सेकंड चलाना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर आपके सेकंड भी आ जाएंगे, सेकंड चलते हुए आपको दिखाई देंगे। ऑलरेडी तो गाइस इतना सब करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कंप्यूटर पे जो आइकन होते हैं आप इनको गायब कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको गायब करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके कंप्यूटर में कई बार कुछ ऐसा डेटा होता है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप किस तरीके से किसी फोल्डर फाइल को गायब कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप किसी फोल्डर को गायब कर सकते हो, किसी फोटो को गायब कर सकते हो, किसी वीडियो को गायब कर सकते हो, किसी ऑडियो को गायब कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में कुछ भी डेटा हो आप उसको परमानेंटली गायब कर सकते हो। तो गायब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस भी फोल्डर को गायब करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए मुझे इस वाली फाइल को गायब करना है, तो गायब करने के लिए मैं माई कंप्यूटर पे चला जाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पर आने के बाद मुझे उस फाइल को ढूंढना है जिस फाइल को मुझे गायब करना है। तो इस फाइल का नाम है सैम्पल वन, और ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है, फाइल है। तो मुझे इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं माई कंप्यूटर को ओपन करके उस लोकेशन पर चला जाऊँगा जहाँ पर वो हमारी फाइल पड़ी हुई है। ऑलरेडी अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है, डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मुझे इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सैम्पल वन, ये देखिए इसका नाम है सैम्पल वन, इसका नाम है सैम्पल वन, तो मुझे इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको तीन बिंदु दिए गए हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेनी है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है हिडन का, आपको हिडन पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो जैसे आप इतना ओके करोगे यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो फाइल है वो आधी गायब हो गई है, कम्प्लीटली गायब नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से गायब करने के लिए आप व्यू पर चले जाइए। व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है शो का, शो पर क्लिक करके आप हिडन आइटम्स को यहाँ पर चेक है इसको आप अनचेक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए। तो जैसे आप अनटिक करोगे यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपकी फाइल गायब हो चुकी है। अब वो गायब होकर गई कहीं भी नहीं है, वो यहीं पर पड़ी है, बस आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको उसको वापस लाने के लिए सिंपल से आपको व्यू पर क्लिक करना है और शो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है हिडन आइटम्स पर। तो हिडन आइटम्स पर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन वो यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहाँ पर हिडन लिखा है, इसको आपको अनचेक कर देना है, अनटिक कर देना है और अप्लाई पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है।
तो जैसे आप इतना करोगे आपका जो फाइल है वो वापस से आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑलरेडीज। तो इस तरीके से आप किसी फाइल फोल्डर को गायब कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर कोई आइकन बनाना चाहते हो, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम का एक आइकन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लेकिन ये हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप पर नहीं है और आप लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम टाइप कर देता हूँ। जैसे आप क्रोम टाइप करोगे यहाँ पर आपका जो क्रोम एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्रोम आ चुका है, मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया जाता है ओपन फाइल लोकेशन का, तो मुझे इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी एक फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर दिया गया है आपको इस पर खींचना है, इसको पकड़ के खींच लाना है और खींच कर आपको इसको इधर ला करके छोड़ देना है। तो जैसे आप इसको छोड़ दोगे ये आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से। अब आप चाहें तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो नाम चेंज करने के लिए आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो और इंटर करके आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप पर कोई आइकन भी क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडीज तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए या लैपटॉप चलाना सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।